ये जो स्मार्ट सिटी का यहाँ पे जो केबलिंग हो रही है, डकटिंग अंडरग्राउंड सब हो रहा है, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नए सिरे से हो रहा है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, अब नए सिरे से रिकनेक्ट हो रहा है, ये सब कुछ हम सेटिस्फाई है। जो भी ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं हम सेटिस्फाई है इसके साथ। एक्चुअली ये इंटरनेशनल मार्केट था, यहाँ से सेंट्रल एशिया माल जाता था बाई वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता था, सेंट्रल एशिया जाता था यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा बिजनेस हब यही था, कश्मीर का पहला मार्केट यही है। तो यहाँ इस मार्केट की अपनी एक अफायदे थे, यहाँ पे होल सेल प्राइस में और बड़े नॉमिनल रेट्स पे यहाँ सारी एक चीज़ मिलती है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे हमारी जो मेन डिमांड है वो पार्किंग की है, और थोड़ा सा कहीं पे भी देखना बॉटल नेक्स जहाँ पे भी हो, क्योंकि ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो होना चाहिए, कहीं पे भी ट्रैफिक हॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर सिटी में मेन प्रॉब्लम यही होती है कि ट्रैफिक हॉल्ट होता तो फिर घंटों भर ट्रैफिक जैम लग जाता है। जितनी भी बॉटल नेक्स हम हुकूमत से जो अरवे इकतदार है उनसे अपील करते हैं कि जितने भी ये बॉटल नेक्स उनको क्लियर किया जाए ताकि ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो हो जाए, क्योंकि अब तो सड़कें भी माशाल्लाह ठीक हो रही हैं, तो इसीलिए हम यही चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इल्यूमिनेशन का भी प्रोजेक्ट है इसमें इंक्लूडेड, इसमें फसाड चेंज भी है और ये जो नीचे कंस्ट्रक्शन है रिकन्स्ट्रक्शन ड्रेन वगैरह वो भी है इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मार्केट पुराना है, इससे पहले भी हमारी डिमांड थी कि ये मार्केट रिनोवेट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तो अब इनने काम स्टार्ट किया, अच्छा किया, फर्स्ट क्लास किया, तो क्या नाम है इसका। लेकिन पार्किंग का मसला था, वो इन्होंने किया नहीं पार्किंग के, वो इन्होंने उनके साथ बात भी किया था जो इन्होंने कुछ मकान लिए थे, तो मगर फिर उनके साथ कुछ नहीं, उसका DPR भी बनाया था वो भी, फिर उनके साथ कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के तहत एक रिनोवेट हो रहा है, ये हमारी बिल्डिंग ये जो ओल्ड बिल्डिंग है ये हेरिटेज बिल्डिंग, और सड़कें वड़के ठीक हो रही है, फर्स्ट क्लास अच्छा काम चल रहा है। ये मार्केट 170 साल पुराना है, मार्केट में हर एक चीज़ मिलता है। अभी भी यहाँ से माल जाता था उड़ी तक, यहाँ से जाता था पहलगाम, और यहाँ से जाता था लद्दाख तक ये मार्केट से, जहलिम से। हाँ, और जहलिम से भी जाता था माल, लेकिन लद्दाख भी जाता था माल, लद्दाख के लोग आते थे यहाँ, करगिल के लोग आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ से माल खरीद के ले जाते हैं, और यहाँ पे था एक मार्केट लगता था, वहाँ से सेंट्रल एशिया से लोग आते थे यहाँ मार्केट लगाने के लिए। आपको लगता है कि वो रौनक वापस आना चाहिए ज़रूरी, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ तवज्जो दे। अच्छा, जो आप स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा है इससे आप खुश हैं, और क्या क्या करने की ज़रूरत है आप? बस एक पार्किंग हमको ज़रूरत है, और फायर सर्विस का, और यहाँ पे इसमें क्या नाम है इसका हॉस्पिटल है, ये PHE हॉस्पिटल वो भी बनाया उन्होंने, लेकिन अंदर से अभी काम नहीं चल रहा है उसका। तो जो इस पर काम हो रहा है इससे खुश है आप? हाँ, इससे खुश है। डाउनटाउन यानी शहरी खास का वो मार्केट जो कि 200 साल पुराना मार्केट है, और जब यहाँ पे आबी ट्रांसपोर्ट था तो तब ये मार्केट जो इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है, यानी ये जो मार्केट है जिसका नाम महाराजगंज मार्केट है या जैनकरल मार्केट की हम जब बात करते हैं, तो ये वो मार्केट है जो 200 साल से लगातार ऑपरेटिव है, और जब वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ करता था तो सेंट्रल एशिया से पानी के ज़रिए यहाँ पे माल आता था और यहाँ से भी माल वापस जाता था, और टूरिस्ट का ये मेन हब रहता था। लेकिन कुछ सालों के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कमियाँ देखने को मिली, सरकार ने इसको जो है तवज्जो देना बंद कर दिया, और इसके बाद ये मार्केट जो आहिस्ता आहिस्ता डाउनग्रेड हो गए और यहाँ की ख़रीदारी भी मुतासर हुई। लेकिन अब श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत अब नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, और यहाँ पे अब रिनोवेशन का काम स्टार्ट किया गया है, और जो भी ये पूरा मार्केट है इसका फसाद इम्प्रूवमेंट जो है वो किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बनाया जा रहा है, और जो सड़कें हैं उनको सीमेंटिक बनाया जा रहा है, उनमें टाइल्स लगाई जा रही है, उसके साथ साथ जो इल्यूमिनेशन एक मेन फैक्टर है रिनोवेशन का वो इल्यूमिनेशन भी कराई जा रही है, ताकि ये जो मार्केट है मोर वाइब्रेंट दिखे, और जो 200 साल से मार्केट चल रहा जा रहा है 90s तक इस मार्केट में जो रौनक थी उस रौनक को वापस लाया जा रहा है, और ये काम श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे हो रहा है। यहाँ के दुकानदार खुश है, उनका मानना है कि ये मार्केट जो है पुराना है, इस ज़रूरत थी कि इस मार्केट को रिनोवेट किया जाए ताकि जो रौनक इसकी खो गई थी वो वापस आ सके। कैमरा पर्सन सनील वानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर।